शशि, आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्पाइसी डिश लेके आई हूँ जिसका नाम है पोटैटो नगेट्स। पोटैटो नगेट्स तो सबको पसंद है, बच्चों को भी बड़ों को भी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए दो मीडियम साइज का आलू है, इसको हमने बॉयल करके कद्दूकस से इस तरह से मैश कर लिया है। और यहाँ पे मसाले कुछ ले रहे हैं, देखिए लहसुन है कटा हुआ बारीक, प्याज है आधा कटा हुआ, हरी मिर्च है दो, धनिया है भुना हुआ, धनिया लिया हमने हाफ स्पून, भुना हुआ जीरा है हाफ स्पून, यहाँ पे काली मिर्च है दरदरा कटा हुआ, ये गर्म मसाला है, ये लाल मिर्च हमने लिया है, कॉर्नफ्लोर है, और यहाँ पे ब्रेड क्रम्स हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे रस के क्रम्स भी यूज़ करिए, देखिए रस है सूजी वाला रस है, उसका क्रम्स बहुत ही टेस्टी होता है। अगर इस पर लगा के इसको मैश करके इस तरह से हाथों से बहुत बारीक बन जाता है, तो हम ब्रेड क्रम्स की जगह पे यहाँ पे रस के क्रम्स को ऊपर से लगाएंगे। तो देखिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैसे बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए आलू मैश किया हुआ ले रहे हैं, इसमें हम ब्रेड क्रम्स जो हमने बनाया था इस ब्रेड क्रम्स को डालेंगे, इससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। इसमें सारे मसाले हम इसको ऐड कर देंगे। तो देखिए इसमें प्याज है, हाफ प्याज हमने लिया, लहसुन लिया चार से छह कली, हरी मिर्च, और ये मसाले हैं, सब मसालों को इसमें डाल देंगे। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, इनको डाल के अच्छे से हाथों से मैश कर देंगे, एक डो तैयार करेंगे डो फॉर्म में। बहुत इजीली डो बन जाता है इसका। देखिए डो बनके हमारा तैयार हो गया, बहुत ही इजीली बहुत ही जल्दी से बनता है ये रेसिपी। तो डो बन गया, अब हम देखिए कॉर्नफ्लोर लिए हैं, यहाँ पे 2 स्पून कॉर्नफ्लोर लिया, इसमें वाटर डाल के इसको हम लिक्विड फॉर्म में थोड़ा सा बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए बन गए लिक्विड फॉर्म में। अब हम इसके छोटे छोटे नगेट्स बना रहे हैं, जितना बड़ा आपको साइज पसंद है उतना बढ़ाइए, उतना बड़ा आप बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको सिलेंडर शेप में बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, आपको जो भी पसंद है तो आप बना सकते हैं। देखिए इस तरह से इतने छोटे छोटे बना रहे हैं, इस तरह से बना के इसके कार्डबोर्ड के गोल में इसको हम डालते जाएंगे। फिर इसको हम रस के जो क्रम्स ने बनाया इसमें इस तरह से चार तरफ से लगा देंगे, इसको थोड़ा सा लपेट देंगे, और फिर इसको ऐसे से रखते जाएंगे। इसी तरह से हम बना रहे हैं, एक और आपको बना के दिखा रहे हैं। तो छोटी सी लोई तोड़ लीजिए, इसको हाथ से बाइंड कर लीजिए, ये दोनों हाथों के हेल्प से इसे सिलेंडर शेप में बनाना हो तो इस तरह से कर लीजिए। देखिए बनके तैयार हो गया, इसको फिर कॉर्नफ्लोर के गोल में इस तरह से डाल दीजिए, फिर इसको रस के क्रम्स में, ये रस का क्रम्स बनाइए, बहुत ही टेस्टी से आपको इसका रिस्पॉन्स आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये सूजी वाला रस है, बहुत ही टेस्टी होता है। देखिए इस तरह से बना देंगे सारे, इस तरह से हम नगेट्स बना के तैयार। देखिए हमने सारे पोटैटो नगेट्स बना के तैयार कर लिए, अब हमें फ्राई करना है। तो देखिए हमने पैन में ऑयल रख दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो गया है, हम इसमें करके नगेट्स डालते जा रहे हैं। बहुत ही फास्ट बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी होता है, ये पार्टी में शादियों में स्टार्टर के रूप में इसको दिया जाता है। आप इसे घर में बनाइए, इसको एंजॉय करिए, बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद है। इस तरह से डाल के हम इसको चलाएंगे, आज को मीडियम पे रख के धीरे धीरे इसको सेकेंगे, लाइट ब्राउन हो जाएगा, फिर हम इसको निकालेंगे इस तरह से। ये बनता है बहुत ही टेस्टी बनता है, घर में बनाने में इसका एंजॉयमेंट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मजा आएगा। घर का बना हुआ तो बहुत ही टेस्टी लगता है, शादियों में पार्टियों में स्टार्टर में सब लोग इसको खाते हैं, क्योंकि इसको घर में बनाइए और अपने मन से बनाइए, अपने हिसाब से अपने इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हैं इसमें। अगर आप चाहिए तो वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद है वेजिटेबल डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से हल्का ब्राउन होने तक इसको, देखिए लाइट ब्राउन हो गया, हम इसको निकाल लेते हैं, ये कितना सुंदर कलर आया है। इसी तरह से हम सारे तल के निकाल लेंगे। देखिए हमने सारे नगेट्स बना के तैयार कर दिए,
प्लेट में देखिए इस तरह से सर्व किया। आप इसको मीठी चटनी के साथ या फिर दही के साथ देखिए आप इसको सर्व कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है। देखिए इस तरह से आप लेके आराम से चटनी में लगा के इसको सर्व करिए, इंजॉय करिए। तो आप इसी तरह से इस रेसिपी को ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो और आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में बेल आइकन है, इसे दबाना मत भूलिए। उससे क्या होता है, कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।